चलिए अब टॉपिक अगला कंप्लीट करते हैं बच्चों। कहाँ से छोड़ दिया था हम लोगों ने? इधर से। रूल कैन बी डिफाइंड एज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैंने बता दिया था आपको, सबको पता होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। स्ट्रेच द योर थंब, मिडिल फिंगर और जो आपकी बाकी की सारी फिंगर्स हैं उनको आप अरेंज करते हो, ओके। एंड अरेंज करने के बाद कुछ इस तरीके से अरेंज करते हो कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी आपकी फोर फिंगर, दूसरी आपकी रिप्रेजेंट करेगी इसको दूसरी आपकी रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मोशन को, तो जो आपकी जो मिडिल फिंगर होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? किसको रिप्रेजेंट करती है? इंड्यूस्ड करंट को। समझ में आ गया बच्चों? यस सर, हाँ, देखो तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो आपकी मिडिल फिंगर होती है वो करंट को रिप्रेजेंट किया करती है। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं दो टाइप के हुआ करते हैं, एक एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में मैंने आपको बात बता दिया था कि द डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिख लीजिए कॉपी में। यस सर, ओके, द डिवाइस दैट कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ऐसी डिवाइस जो है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। एंड और आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है फोर्स ऑन करंट कंडक्टर। लिख लीजिए कॉपी में, फोर्स ऑन करंट कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है और इसी को इलेक्ट्रो डायनेमिक फोर्स भी बोलते हैं। ओके, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज द बेस्ट आंसर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, यस। सो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, सो ये बनेगा आपका इलेक्ट्रो इसका प्रिंसिपल किसका? इलेक्ट्रिक मोटर का। नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन कन्वर्ट इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ करंट बच्चों दो टाइप की होती हैं, एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट और एक होती है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग ऐसी करंट होती है जो पीरियोडिकली मतलब एक निश्चित समय के बाद अपनी वैल्यू को चेंज कर लेती है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये देखिए ये टाइम एक्सेस है बच्चों और ये करंट एक्सेस है, ये करंट है, तो ये एक निश्चित टाइम के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है मतलब चेंज कर रही है। पहले हाइफ में प्लस है, दूसरे में माइनस है, फिर इसके बाद क्या है? प्लस है, फिर इसके बाद में क्या है? माइनस है। तो ऐसी करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। बट ऐसी करंट जो टाइम के साथ बिल्कुल चेंज ना हो, एक फिक्स वैल्यू लेके चलती है, ऐसी करंट को हम बोलते हैं डीसी करंट। डीसी करंट का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। बोलो, समझ में आ गया? यस सर, ओके, ये क्या होती है यस बेटा? सर, ये क्या होती है बेटा? ये बाई डायरेक्शनल होती है, दो दिशाओं में चलती है। ओके, ये होती है ओनली एक दिशा में चलने वाली, दिस इज कॉल्ड यूनि डायरेक्शनल। ओके, यूनि डायरेक्शनल, ये टाइम के साथ अपनी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज करती है। ये टाइम के साथ ना अपनी वैल्यू चेंज करती है ना अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है बच्चों। ये डीसी करंट का ग्राफ है और ये एसी करंट का ग्राफ है। डन? सर तो जो होता है किसी हाँ भी जगह से हाँ वो डायरेक्ट करंट होता है ना, नहीं नहीं और फिर जो उसको नहीं, करता बेटा है। जो अगर आपने वर्ड इंड्यूस यूज हो दिया है ना, इंड्यूस इंड्यूस करंट डायरेक्ट करंट हो ही नहीं सकता कभी भी, समझ गए? डायरेक्ट करंट जो आपको मिलता है वो बेटा बैटरी से मिलता है। किससे मिलता है? हाँ बोलो, क्लियर हुआ? ओके सर मैं कि जो करंट प्रोड्यूस होता है ना, कि इंड्यूस ओके ओके प्रोड्यूस। प्रोड्यूस होता है, तो वो करंट जो होता है जो आपके प्रोड्यूस प्रोड्यूस कहाँ पे होता है बेटा? पावर स्टेशन में। कहाँ पे? पावर स्टेशन में हाँ बेटा, एसी होती है वो, ऑल्टरनेटिंग ही होता है, डीसी नहीं होता है। क्लियर हुआ? यस सर, ओके, सो अगर अगर हम बात करते हैं एसी की, तो इंडिया में जो एसी चल रही है उसकी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्स। ओके, इंडिया में जो एसी चल रही है वो कितनी है? 50 हर्ट्स, मतलब कि 1 सेकंड में कितने बार ये साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे? 50 बार। बेटा ये एक साइकिल है, जितना मैंने रेड कलर किया ना, दिस इज वन साइकिल।
तो इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी आती है, जो इंडिया में सप्लाई आती है, वो 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेती है? 50। मतलब ऐसे ये एक कंप्लीट डांस है, ऐसे जो सप्लाई आती है 50 कंप्लीट डांस कर लेती है 1 सेकंड में। 50 हर्ट्ज़ मतलब 50 वाइब्रेशन पर सेकेंड। सो इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी आ रही दैट इज इन 50 हर्ट्ज़। क्लियर हुआ? सर, अपने जो फोन रहते हैं उनमें 60 GHz रहता है, नहीं, गीगा वो जो मतलब? बेटा बेटा मेरे बेटा हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई पढ़ रहे हैं बेटा। आप जो फोन की बात कर रहे हो बेटा, उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी है, ये उसकी वेव्स की फ्रिक्वेंसी है। समझ में आया? यस सर। ये आपके घर में जो लाइट का कनेक्शन है बेटा, उसकी फ्रिक्वेंसी है एसी की। और आप जिस फोन पे बात कर रहे हो ना, इवन आपकी साउंड की फ्रिक्वेंसी जिस पे आप बात कर रहे हो ना, वही साउंड जो होता है बेटा वो 20 किलो हर्ट्ज़ से कम होता है। समझ गए ना? मतलब आपकी साउंड की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, आपके जो साउंड के वाइब्रेशन बने हुए वो भी बहुत ज़्यादा हैं इलेक्ट्रिकल से। क्लियर हुआ? ओके, तो आप जो मुझे यस मेगा सर। मेगा हर्ट्ज़ में ले जा रहे हो ना, वो बेटा वेव्स हैं। कौन सी वेव्स हैं? उनका नाम है रेडियो वेव। आप 12th क्लास में आओगे तब पढ़ोगे रेडियो वेव्स क्या होती हैं। ठीक है? यस ठीक है सर। ना? तो आप और हम जिस रे वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं बेटा, वो रेडियो वेव्स होती हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेट करंट ओवर डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेट करंट का डायरेक्ट करंट के ऊपर क्या फ़ायदा है बेटा? जो ऑल्टरनेट करंट होती है उसके साथ एक कई सारे फायदे हैं। तो जैसे मैं बताऊं आपको, 3 चीज़ें होती है बेटा बिजली को आपके घरों तक पहुंचाने में। नंबर 1 जनरेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। 3 चीज़ें होती हैं। पहला है जनरेशन। जनरेशन मतलब पैदा करना। ओके, पैदा करना, तो बिजली को पैदा करना। तो इसमें कोई ज़्यादा खास नुकसानों फायदे वाली बात नहीं है। एसी और डीसी में कोई ज़्यादा जनरेशन में कोई गैप नहीं है, दोनों को इजीली पैदा किया जा सकता है, दोनों को बनाया जा सकता है। उसके बाद आती है बेटा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हाँ बेटा, एसी जो है ट्रांसमिशन के मामले में डीसी से बहुत ज़बरदस्त है। जो एसी है ट्रांसमिशन के मामले में डीसी से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। समझ में आया बेटा? यस सर। एसी का ट्रांसमिशन जो होता है बेटा, वो बहुत फायदे के रूप में लिया जा सकता है। क्योंकि एक मतलब क्लास 12th में आप एक मेथड पढ़ोगे, उस पे आपको पता चलेगा कि ट्रांसमिशन के मामले में एसी जो है डीसी से बेटर कैसा है। तो ट्रांसमिशन में बाजी मार जाता है एसी। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलिए पढ़ो स्वास्थ्य। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज लो। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज़। इट मीन्स एवरी ईयर 1/100 सेकेंड इज इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। हाँ, इन एवरी एवरी सेकेंड है ये। इन आफ्टर एवरी इट मीन्स आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड इट्स चेंज इट्स डायरेक्शन। समझ में आया? मतलब कि हर 1/100 सेकेंड में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। कैसे कर लेगा? देखो बेटा, अभी अभी मैंने बताया कि 1 सेकेंड में इसके 100 बार 50 डांस होंगे। तो ये ऐसे ये बन गया एक छल्ला, ये एक डांस है इसका। उसके बाद इसका बेटा दूसरा डांस बनेगा, ये तीसरा डांस बनेगा, ये ऐसे कितने बनेंगे बेटा? 50 बनेंगे। ऐसे कितने बनेंगे? ये 1 नंबर का है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 नंबर का है डांस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ये 3 नंबर का है। ऐसे लेके 50 बनेंगे। अब ध्यान से देखो ये सब कितने में बनेंगे? 50 के 50, 1 सेकेंड में। और 1 सेकेंड में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो 1 सेकेंड में डायरेक्शन एक्चुअली कितने बार चेंज हो गई? 100 बार, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस इसके पास है, फिर एक प्लस है एक माइनस है। तो जब यहाँ तक 50 छल्ले बनेंगे, तो 50 छल्ले में सब में दो दो के लूप बन रहे हैं, प्लस के माइनस के, इसलिए 100 बार डायरेक्शन चेंज होगी। बोलो आया समझे कि नहीं आया? यस सर। हाँ, इसलिए जो आपका बल्ब आता है, जो घरों में बल्ब यूज होता है ना, वो 1 सेकेंड में बेटा 100 बार ब्लिंक होता है, मतलब जलता है और बुझता है। मगर 100 बार इतनी ज़्यादा बार है बेटा कि आपको वो समझ ही नहीं आता होगा। जैसे मच्छर का पंख जब भिन्न भिन्न आता है तो कोई वो साउंड क्रिएट नहीं करता है, मगर जब मच्छर आपके कानों के बगल से निकलता है तो एक कांस्टेंट साउंड पी करके सुनाई देता है। क्योंकि उसके पंख की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि उसको आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। समझ गए ना? इतनी जोर की वो मच्छर जो है अपने पंखों को फड़फड़ाता है ना? ये तो 50 है, उसका पंख तो क्या जाने कितने बार फड़फड़ाता होगा। गूगल में चेक करिएगा कि
कि मॉस्किटो की फ्रिक्वेंसी कितनी है पंखों की। ये इंटरेस्टिंग बात है कि मॉस्किटो का पंख जो है 1 सेकंड में कितने बार अप एंड डाउन होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से साउंड क्रिएट होता है। यस चलिए अब बात करते हैं डोमेस्टिक। हाँ पढ़ो बेटा, इन इंडिया, ये तो हो चुका, मतलब हर एक, 100 to 1000 hertz कितनी बेटा, मॉस्किटो की 100 to 1000 hertz है ना। यस सर हाँ समझ लो, मतलब 100 कम से कम और ज़्यादा 1000। अगर आप 1000 लेकर के चलोगे फ्रिक्वेंसी, मतलब मॉस्किटो का जो पंख है वो 1000 बार ऊपर और 1000 बार नीचे होगा। एक बार में 2 साइकिल मतलब 2000 बार ऊपर नीचे टोटल हो जाएगा, इतना जोर का चलता है। सोचो उसके पंख कितने जोर के फड़फड़ाते हैं। क्लियर हुआ? यस सर हाँ चलिए अब बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई की, कि हमारे घरों में जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है वो कैसी आया करती है। बच्चों बड़ी मज़े की बात है, डोमेस्टिक सप्लाई हमारे घरों में आया करती है, वो कैसी आती है देखिए, बहुत इजी चीज़ है ये। हमारे घरों में जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है बेटा, इसमें मेन काम होता है इस लाइव वायर का, जिसमें करंट हुआ करता है, इसको एक तरीके से तुम प्लस मान लो। ओके ये लाइव वायर है, ये प्लस वाला हुआ करता है। इसी को अपन लोग जो दुकान वाले लगाने आते हैं, भैया लोग जो कभी सुधारने आते हैं, वो कहते हैं भैया फेस, सिंगल फेस, डबल फेस, ये फेस है, और दूसरा जो होता है बेटा उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर, जिसको लोग न्यूट्रल बोलते हैं, वो न्यूट्रल होता है। ओके तो एक्चुअली फेस है ये, प्लस का काम करता है, न्यूट्रल वायर बेटा माइनस का काम करता है। अब देखो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 2 तारे आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। अब एक प्लस वाली वायर आ करके बेटा देखो कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कैसे आती है ना। देखो सबसे पहले ये लाइव वायर आती है, और एक साथ में कौन सी वायर आती है, न्यूट्रल वायर आती है। सबसे पहले ला करके इसको हम किस में लगाते हैं, फ्यूज बॉक्स में। सबसे बाहर जो होता है फ्यूज बॉक्स लगा हुआ करता है। आजकल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आजकल लोग, ये पहले का सिस्टम है, आजकल वो सीधे ला करके मीटर में लगा देते हैं, क्योंकि उनके जो फ्यूज बॉक्स होते हैं वो डीप लगे होते हैं बाहर के बाहर, तो आजकल के घरों में सीधे मीटर में ला करके जोड़ देते हैं। बट पहले क्या था कि मीटर की सेफ्टी के लिए पहले एक फ्यूज बॉक्स लगाते थे, कि कई बार ज़्यादा अमाउंट में करंट आ गई तो मीटर ना उड़ जाए, मीटर ख़राब ना हो जाए, तो पहले फ्यूज बॉक्स मीटर के पहले लगाते थे। ये पुराना सिस्टम है, बट आजकल सीधे मीटर आ जाता है। चलो बच्चों तो ये फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स से यहाँ से करंट आएगी, अर्थ ये फेस वायर है, लाइव वायर है, और ये बेटा न्यूट्रल वायर है। बेटा न्यूट्रल वायर जो होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, न्यूट्रल वायर जो होता है बेटा वो ब्लैक कलर का होता है। यस ये ब्लैक ही रहने दो इसको, और जो लाइव वायर होता है बेटा वो रेड कलर का होता है, तो ये रेड कलर का वायर है। इसको मैं रेड कलर का कर दूं, आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, शायद लाइव वायर रेड कलर का है और न्यूट्रल वायर जो है ब्लैक कलर का है। सर पहले क्या पुराने टीवी में नहीं रहती थी पिन पिन हाँ हाँ पिन बोलो तो आगे। सेटअप तो क्या हो गया बेटा? बॉक्स का हाँ हाँ तो सर वो भी ऐसी होती थी क्या, पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ देखो जो पिन होती है उसमें भी हम बता देते हैं बेटा, पिन में 2 पोर्ट हुआ करते हैं। देखो ध्यान से, एक बेटा जो होता है जो बीच में उभरा हुआ बाहर की तरफ निकला रहता है, बोटो बोलो हाँ है ना, हाँ सर इसको बोलते हैं बेटा एवी पिन। क्या बोलते हैं? एवी पिन मतलब ऑडियो वीडियो पिन, ठीक है। हाँ सर हाँ तो ये एक तो बेटा उसमें उभरा हुआ पार्ट बीच में जो डंडा सा निकला रहता है वो इतना सा वो रहता है, और अगल बगल में बेटा इसके जैकेट रहती है स्टील से की, हाँ या ना। हाँ सर हाँ तो ये वाला जो पार्ट होता है बेटा ये प्लस होता है, और ये जो बाजू बाजू वाला होता है बेटा नेगेटिव होता है। समझ में आया? हाँ सर ठीक है हाँ तो ये जा करके उसके अंदर चला जाता है, और ये जो होता है ये नेगेटिव होता है, ये उसके सराउंड कर लेता है उसको। चलो कम बैक, तो बेटा ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर आ गया। जितनी बिजली आप जलाओगे सबसे पहले आपके मीटर से जाएगी। अब ये मीटर से जा करके ये बेटा एक प्लस और माइनस। अब मीटर से बेटा 2 आउटपुट निकलेंगे। अब 2 आउटपुट निकलने के बाद बेटा घर के सारे कनेक्शन आपको किस में करने हैं, पैरेलल में करने हैं, मगर उसके पहले जैसे ये निकलेंगे तो एक क्या लगा होता है बेटा, एमसीबी। घर में आपके लगा होगा एमसीबी बॉक्स होगा, जिसको फ्यूज बॉक्स बोलते हैं। उसमें अलग अलग चटकनी लगी होंगी बेटा, अलग अलग उसकी लैचेस लगी होंगी, चटकनी को लैच बोलते हैं, है ना, कि ये दादाजी के कमरे का है, ये इस कमरे का है, ये किचन का है, अलग अलग है। अब इसके बाद क्या होता है कि लैच के बाद फ्यूज बॉक्स के बाद वायर आगे बढ़ती है और अलग अलग कमरों में पैरेलल जाती है। यस ये देखिए यहाँ पे
ये चली गई एक पैरेलल में सप्लाई, 220 वोल्ट की सप्लाई एक कमरे में चली गई, फिर आगे 220 वोल्ट की सप्लाई दूसरे कमरे में चली गई, और फिर आगे 220 वोल्ट की सप्लाई जो है तीसरे कमरे में चली गई, ये देखिए तीसरे कमरे में चली गई। ओके, तीन स्विचेस आपने जो है अलग अलग कमरों में दे दिए हैं। अब इसके बाद क्या होता है बेटा कि अब ये कमरों में सप्लाई तो चली गई है, मगर इंस्ट्रूमेंट हैवी आप इस्तेमाल करते हैं तो खतरा रहता है कि कहीं उनकी बॉडी में करंट ना आ जाए। तो क्या करते हैं कि वहाँ पर हम सभी से एक जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन की बॉडी से, वॉशिंग मशीन की बॉडी पे कोई चार्जेस ना आ जाए, कोई करंट ना आ जाए, तो एक अलग से तार दिया जाता है जिसको बोलते हैं अर्थिंग वायर। वो किस कलर का होता है बेटा? वो ग्रीन कलर के होते हैं वायर्स, है ना, अर्थिंग वायर। तो देखो सब में इंस्ट्रूमेंट में अर्थिंग दी जाती है, स्विच बोर्ड में भी अर्थिंग दी जाती है। तो ये आपका स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड से अंदर ही अंदर एक कनेक्शन रहता है, सभी सभी स्विच बोर्ड अंदर से अंदर कनेक्ट रहते हैं। जो बिजली का बड़ा वाला पिन होता है, जब आप किसी चार्ज कुछ भी चीज़ को लगाते हो बिजली में, तो तीन पिन देखते हैं आपके, एक सबसे ऊपर वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ऐसा। तो बेटा एक होता है लाइव वायर, जो खतरनाक वाला होता है जिसमें करंट आता है बहुत जोर वाली, वो लाइव वायर होता है बेटा। दूसरा जो होता है न्यूट्रल होता है, देख लेना आप, दूसरा जो होता है न्यूट्रल होता है, और ये जो एक ऊपर रहता है बेटा ये अर्थिंग होती है। इसमें जनरली कोई करंट आपको नहीं मिलेगा, मगर ये किस पर्पज़ से बनाई जाती है बेटा? ये सेफ्टी पर्पज़ से बनाई जाती है। क्या होता है, पूरे घर के सभी स्विच बॉक्स की, जितने भी अपने बॉक्स हैं, इनकी अर्थिंग को कनेक्ट करके घर के बाहर होती है, घर के बाहर इसको अर्थ कर दिया जाता है। देख लो यहाँ पे, ये जो है इसको अर्थ वायर बोला जाता है, और इसको जमीन में जाकर के गड़ा दिया जाता है, जिससे कि कोई एक्स्ट्रा शॉक वगैरह हो तो वो सारा का सारा जो है निकल जाए। तो जब घर बनते हैं बच्चों, तो अर्थिंग भी डलवाई जाती है। आप अपने अपने पापा से पूछिएगा, पापा हमारे घर की अर्थिंग कहाँ पड़ी हुई है, तो वो आपको दिखाएंगे कि आपके घर की अर्थिंग कहाँ पर डली हुई है, ठीक ना, बता देंगे कि इस जगह पर अर्थिंग बनी हुई है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात होती है, आप पूछिएगा कि आपने अर्थिंग बनाने में क्या क्या इस्तेमाल हुआ, तो उसमें बताएंगे नमक यूज होता है। एक बार दिखाया था नाना के यहाँ पर, वो वहां पे सही कर रहे थे नाना, हाँ। तो उन्होंने पूरे उसकी घर की लाइट बंद करके उन्होंने फिर सर्किट को वो बोर्ड का सही किया था, तो उन्होंने बताया था ये वायर होते हैं। अच्छा अच्छा बहुत बहुत अच्छी बात है ये, है ना। तो अर्थिंग की जगह देखी आपने उस घर में, अर्थिंग जहाँ पे पड़ती है जमीन के पास में? हाँ सर। हाँ, तो वो बनाते समय भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसमें कॉपर के बड़े बड़े प्लेट लगते हैं, और कॉपर के प्लेट के अंदर फिर कोयला भरा जाता है, चारकोल भरा जाता है, खूब सारा नमक डाला जाता है, फिर उसके बाद अर्थिंग बनाई जाती है, ठीक ना। यस, तो ये काम होता है अर्थिंग का। तो तीन वायर होते हैं बेटा, एक रेड कलर का वायर होता है जिसको हम लाइव वायर बोलते हैं, पॉजिटिव, एक ब्लैक कलर का वायर होता है जिसको हम निगेटिव वायर बोलते हैं, न्यूट्रल वायर बोलते हैं, और तीसरा जो होता है अर्थिंग वायर होता है, जो सब देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, है ना, वो लगे होते हैं। आपके मोबाइल चार्जर जो होते हैं उनमें अर्थिंग वायर के लिए सॉकेट नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल चार्ज में इतना हैवी चार्जिंग नहीं होती है, बहुत 3 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज से चार्ज होता है, मगर वॉशिंग मशीन जो होता है बहुत हैवी होता है, इसलिए उसमें अर्थिंग वायर लगा होता है, ठीक है ना। तो जिनमें अर्थिंग वायर के लिए सॉकेट दिया गया हो, समझ जाओ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रिकल झटका मार सकती हैं आपको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। पढ़ो भाई, इन आवर होम्स, स्वास्थ्य पढ़िए, इन आवर होम्स, In our homes, the electric power supplied is of potential difference 220 volts and frequency 50 hertz. जितनी भी चीजें बेटा आप इस्तेमाल करते हो, टीवी, फ्रिज, है ना, आप देख लेना सबके ऊपर जो होगा ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा होगा बेटा 220 वोल्ट। आप टीवी का सॉकेट निकालना, है ना, टीवी का सॉकेट निकालना, वो जिसमें लगाते हो ना आप सॉकेट में, पिन में लगाते हो बेटा, 220 वोल्ट आपको आउटपुट देता है, 220 वोल्ट का आउटपुट देता है। हाँ बच्चों, मगर आजकल LED टीवी आ चुकी हैं, वो कम वोल्टेज पे चलती हैं, इसलिए टीवी के साथ प्लग के साथ एक लंबा सा बॉक्स लगा होगा, देखे होगे काला सा, उसको बोलते हो एडाप्टर, उसको क्या बोलते हैं LED में, एडाप्टर। तो ये बॉक्स लगा होगा बेटा, ये बॉक्स के बाद जो होगा ये फिर से वायर निकलता है, तो क्या करता है बेटा, ये AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर देता है, ऊपर से कम वोल्टेज में। तो जो आपकी टीवी चलती है बहुत कम वोल्टेज में आजकल चला करती है, मगर पहले की जो टीवी थी वो 220 पे चला करती थी, पहले एडाप्टर नहीं लगता था। चलो सर, कंप्यूटर्स में भी एडाप्टर लगा रहता है ना? हाँ बेटा, कंप्यूटर्स, लैपटॉप में एडाप्टर यूज होता है ना, बिल्कुल यूज होता है।
ठीक ना, उसमें लिखा रहता है बेटा लैपटॉप में एडाप्टर में कि कितने वोल्ट को कितने वोल्ट से बदल रहा है। 220 वोल्ट को लेकर के वो 12 वोल्ट में, 10 वोल्ट में, 6 वोल्ट में, 8 वोल्ट में लिखा रहता है। जब आप जाएंगे खरीदने के लिए एडाप्टर तो आपको बताना पड़ेगा। आप किसी भी शॉप में चले जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि भैया एडाप्टर चाहिए, तो दो चीज़ें पूछेगा, वोल्टेज कितना और करंट कितनी। बोलो समर्थ। सर अपना चार्जर भी तो अडॉप्टर होता है, उसमें भी तो लिखा रहता है 220 और आगे आगे इक्वल्स टू, मैंने पढ़ा था अपना। हाँ, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल अडॉप्टर है। आपका मोबाइल जो है 4 वोल्ट तक झेल सकता है ज्यादा, है ना। तो आपके उसमें 220 को लेकर के 3.7 वोल्ट में वो कन्वर्ट करता है ना, अडॉप्टर होता है आपका मोबाइल में। नहीं, मोबाइल जो चार्जर होता है बेटा, चार्जर में अडॉप्टर होता है। क्लियर सर, मैं चार्जर की बात कर रहा हूँ। हाँ, मोबाइल चार्जर में अडॉप्टर होता है, वो चेंज करता है डीसी में। क्लियर हो गया? यस। चलो पढ़िए स्वास्ति। इट कंसिस्ट ऑफ 3 वायर्स, वायर विथ रेड इंसुलेशन कवर, लाइव वायर पॉजिटिव। लाइव वायर इज अ हाई पोटेंशियल, इज एट हाई पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। वायर विथ ब्लैक इंसुलेशन कवर, न्यूट्रल वायर नेगेटिव। न्यूट्रल वायर इज एट zero potential, therefore the potential difference between the two is 220 volt. Third is wire with green insulation cover, earth wire. It is connected to a copper plate deep in the earth near house. The metallic body of the appliances is connected with the earth wire as a safety measure. Exactly. तो बेटा ये जो जितनी भी अर्थिंग होती है ये केवल प्रिकॉशनरी है, ये सेफ्टी मेजर्स हैं। समझ में आया ना, जितनी भी आप अर्थिंग यूज करते हैं वो सेफ्टी मेजर्स के लिए होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो पढ़ो। अर्थ वायर प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस टू द करंट, हैज एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटालिक बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस, कीप इट्स पोटेंशियल इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। दैट मींस जीरो पोटेंशियल एंड द यूजर इज सेफ फ्रॉम सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक से जो यूजर होता है वो बच जाता है, उसको करंट वगैरह नहीं लगते हैं। चलिए, पॉइंट टू बी नोटेड इन डोमेस्टिक सर्किट, पढ़ो बेटा। ईच अप्लायंस हैज अ सेपरेट स्विच ऑफ ऑन एंड ऑफ। इफ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस टू ईच अप्लायंस, दे शुड बी कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर सो दैट दे कैन बी ऑपरेटेड एट एनी टाइम। यस, सीरीज में अगर आप करंट बंद कर दोगे, सीरीज में अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो सारे कमरों को, तो अगर पहला वाला कमरा जैसे ही खोलो, स्विच ऑन कर ऑफ करोगे उसको, तो सारे वाले कमरे में सब बंद हो जाएंगे, सब के सब बंद हो जाएंगे। मतलब एक अगर सर्किट ब्रेक होगा तो सब ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए सबको पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है, जिससे कि एक का सर्किट ब्रेक भी हो जाए तो बाकी को कोई फर्क ना पड़े। नेक्स्ट, वी हैव टू इलेक्ट्रिक सर्किट इन आवर होम, पढ़ो। We have two electric circuit in our home. One consists of current of 15 ampere for high power appliances. Other circuit consists of current 5 ampere for low power appliances. Yes, आपके घर में देखा होगा बच्चों, आपने जो मोटर लगी हुई है, पानी की मोटर लगी हुई है, वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ उसका प्लग ज्यादा ही मोटा होता है। देखा कि नहीं देखा? Yes, sir. हाँ, तो उसमें छोटे मोटे प्लग में काम नहीं करेगा, उसमें वो जल जाएगा, क्योंकि बेटा उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, उसमें 15 एम्पियर की करंट आती है, इसलिए बहुत हीट मारता है वो। अगर छोटा प्लग आप लगा दोगे तो पिघल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसका प्लग देखा होगा, चीनी मिट्टी का में भी होगा, बड़ा सा प्लग उसका आता है ना, और उसको आपने लगा रखा होगा, बड़ा सा एक प्लग हुआ करता है। अगला, 5 एम्पियर के जो पावर होते हैं, अप्लाइंसेस होते हैं लेस देन 5 एम्पियर करंट वाले, वो छोटे छोटे जगह में जल जाते हैं। बोलो, आ गई बात समझ में सर? हाँ बेटा। तो फिर अलग अलग, मतलब अलग अलग उसमें, अलग अलग सर्किट में अलग अलग टाइप ऑफ करंट देते हैं। हाँ, करंट की रेटिंग बदल जाती है बेटा, वोल्टेज सेम रहता है मगर करंट की रेटिंग बदल जाती है, ठीक है? ओके सर। करंट जो होती है हाई लो हो सकती है, क्लियर है? यस सर। अप्लायंस के हिसाब से करंट बदलती है। देखो बेटा, जैसे पैरेलल में कनेक्शन का यही फायदा है कि अपनी अपनी करंट जो है अपने अपने से यूज करें। जैसे देखो बेटा, ये पैरेलल कनेक्शन है, तो इसके बीच में आपने कितने का सोर्स दे दिया बेटा? 220 वोल्ट की दे दी है एसी, 220 वोल्ट का एसी है। तो यहाँ इस टर्मिनल के बीच में 220 वोल्ट ही मिलेगा। अब आप यहाँ पर ए लगा दो, यहाँ पर आप बी लगा दो, यहाँ पर आप सी लगा दो,
यहां पर आप डी लगा दो, समझ गए ना। हाँ, अब करंट रेट की अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये आई वन ले, हो सकता है ये आई टू ले, हो सकता है ये आई थ्री ले, हो सकता है ये आई फोर ले, सारे के सारे काम करेंगे 220 वोल्ट पे, आया समझ में? यस सर। हाँ, मगर करंट अलग अलग लेंगे, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ बोलो समर्थ, क्लियर है बेटा? समर्थ क्लास में हो? यस सर, क्लियर है। चलो बेटा, अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, अभी जैसे यहाँ पे स्वास्थी ने एक सवाल अच्छा सा पूछा है, अब यहाँ पर इसी से जुड़ी हुई बात बेटा आ चुकी है क्या, जिसका नाम है ओवरलोडिंग। क्या नाम है बेटा? ओवरलोडिंग। गाड़ी में जब आप जानते हैं, गाड़ी में, बाइक में, सीट में 3 से 4 लोग बैठ जाएं तो वो कहलाती है ओवरलोडिंग, है ना। गाड़ी में, बाइक में 3 से ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं, 2 से ज़्यादा लोग, एक ड्राइवर और उसके पीछे से ज़्यादा बैठ जाएं तो वो कहलाती है बच्चे ओवरलोडिंग। जी हाँ, तो वो कहलाती है बेटा ओवरलोडिंग। ऐसे ही बेटा हमारे पास जो सर्किट हुआ करता है उसमें भी ओवरलोडिंग होती है। आपके घर में एक्सटेंशन बॉक्स जरूर होगा, बोलो एक्सटेंशन बॉक्स है कि नहीं है? यस सर। एक्सटेंशन बॉक्स होगा, और उस एक्सटेंशन बॉक्स को जो है आप जा करके एक बिजली के सॉकेट में लगा देते हो, बोलो यस और नो बेटा? यस सर। ओके। यस सर। ओके, अब बेटा ये बिजली के सॉकेट में आपने लगा दिया, ये बिजली के सॉकेट में आपने लगा दिया, मान लो ये जो आपने वायर लगाया है इसमें जो केबल गई हुई है, या ये केबल जो गई हुई है इसकी सहने की क्षमता है कि ये 10 एम्पियर की करंट झेल पाएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना, वो एक्सटेंशन बॉक्स आप लेकर के आए थे किसके लिए? अपने लैपटॉप चलाने के लिए, कि मैं लैपटॉप भी कन्वर्ट कर कनेक्ट कर लूँ, अपना प्रिंटर भी कनेक्ट कर लूँ, और एक दो छोटी छोटी चीज़ें और कनेक्ट कर लूँ, अपना बूफर्स कनेक्ट कर लूँ। बट आपने क्या कहा, एक दिन ज़रूरत पड़ी तो आपने अपना वो एक्सटेंशन बॉक्स निकाला और जा करके बाहर रख दिया, है ना। मम्मी से बोला कि मम्मी एक काम करो भैया, इस वाले में लगाओ आप फ्रिज का बटन, इसमें आप अपना रेफ्रिजरेटर लगा दो। अगला हो गया खाली, है ना बेटा, इसमें आपने बोला कि इसमें आप लगाओ क्या, वॉशिंग मशीन। क्या लगवाया बेटा इसमें आपने? वॉशिंग मशीन। ओके, इसमें क्या लगवाया आपने अगले वाले में? अगले वाले में आपने बोला भैया इसमें माइक्रोवेव लगाओ। क्या लगाओ? माइक्रोवेव। और अगले वाले में आपने लगा दिया मिक्सर ग्राइंडर, ये लो भाई साहब। तो मतलब एक छोटी सी डिवाइस जो छोटी 10 एम्पियर करंट जा पाने की तार रखता था, ये क्षमता 10 एम्पियर करंट इसके अंदर से जानी थी, और जब आप ये डिवाइस लगा रहे हैं तो इनकी मिल करके जो डिमांड हो रही है, मान लो हो रही है 25 एम्पियर, बोलो हाँ या ना? यस सर। क्योंकि बेटा ये सबके सब 5 एम्पियर से ज्यादा वाले हैं, अगर इनकी डिमांड आप 8 एम्पियर भी मान लो तो 8 4 जा 32 एम्पियर, बोलो बेटा यस और नो? यस सर। अब इसकी सर इसकी सहन शक्ति कितनी है बेटा? 10 एम्पियर की है, 15 एम्पियर की है। आप इससे कितनी तगड़ी करंट मंगा रहे हैं बेटा? 32 एम्पियर की। क्लियर हुआ? यस। 32 एम्पियर की करंट मंगा रहे हैं। अब बेटा जब इतनी भयंकर करंट जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि हर तार का रेजिस्टेंस होता है, और तार के रेजिस्टेंस से करंट के गुजरने के वक्त जो है बैटरी तार से हीट निकलती है। एग्जैक्टली, हीट निकलती है। तो अगर इतनी तगड़ी करंट इस नन्हे से कमजोर से वायर में जाएगी तो ये वायर जो है पिघल जाता है गर्म होकर के, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। जी हाँ, ये कहलाती है क्या? ओवरलोडिंग। इसीलिए अलग अलग तार यूज किए जाते हैं, कहीं पर पतले तार आते हैं, कहीं पर मोटे तार आते हैं। हैवेल्स वायर, दे कांट कैच फायर, देखा होगा आपने, अलग अलग कंपनी के तार आया करते हैं, है ना, कहीं पर मोटे तार कहीं पर पतले तार यूज हुआ करते हैं, हर जगह एक जैसे तार नहीं लगाए जाते हैं, है ना। जब हाई करंट भेजनी होती है तो यहाँ पर वायर भी बहुत अच्छा वाला आपको लगाना पड़ेगा, मोटा वायर लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस हाँ सर। इफ ये पिघल जाते हैं तो फिर इनमें आग लग जाती है। एग्जैक्टली बेटा, मेल्ट हो गए ना। अब मेल्ट हो गए तो बचा क्या? मेल्ट हो गए तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो पिघल ही गए, है ना। इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि आग ही लग जाएगी बेटा इनमें। क्लियर है ना? ओके सर। वायर गर्म हो जाएगा और उसके ऊपर का प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है वो बर्न हो जाता है बेटा,
क्लियर है? यस सर। और वायर के साथ दो हुआ करते हैं, एक प्लस वाला वायर एक माइनस वाला वायर, दो वायर साथ साथ में चलते हैं, बोलो। हाँ हाँ सर। अब वो गर्म होकर के माइनस वाले को पिघला देगा और प्योरली कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। जैसे कॉन्टेक्ट में आया प्लस और माइनस के, तो धूमधड़ाम, फिर और बड़ा खतरा हो जाएगा। उसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। क्या बोलेंगे बेटा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो याद रखना ओवरलोडिंग में करंट बहुत बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं। तो ओवरलोडिंग में एक ही सॉकेट पे मल्टीपल पॉइंट यूज करने से करंट की वैल्यू जो होती है बहुत बढ़ जाती है। मगर शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, प्लस वाला लाइव वायर न्यूट्रल वाले वायर से कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। आई बात में सर? इसलिए कभी कभार तार तारों पे दिखता है कि वो मतलब चिपक रहे हैं और हाँ टूट जाते हैं। हाँ, तार न्यूट्रल वालों, तार चिपकते हैं, गर्म हो जाते हैं, चूहा काट जाता है। शॉर्ट सर्किट चूहों के काटने से बहुत ज्यादा होता है। जो चूहे होते हैं वो लगातार वायर को काटा करते हैं और एक दिन वो दोनों वायर कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है ना? तो आग लग जाती है दुकानों वगैरह में। चलिए पढ़िए स्वास्थ्य। शॉर्ट सर्किट ड्यू टू फॉल्ट इन द अप्लायंसेस और डैमेज इन द इंसुलेशन ऑफ टू वायर्स, द करंट विल ऑफर जीरो और द सर्किट विल ऑफर जीरो और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शॉर्ट सर्किट में सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के टच में आ जाते हैं एक्सीडेंटली। तो इलेक्ट्रॉन को चलना कहाँ से था? माइनस से प्लस घूम करके ही आना था तमाम दुनिया की दिक्कतों को सहने के बाद। मगर एक्सीडेंटली प्लस और माइनस एक दूसरे से टकरा गए, मतलब दुनिया की दिक्कत देख ही नहीं, सीधे रेजिस्टेंस कितना हो गया? जीरो, है ना? इलाफर जीरो और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। पढ़ो। ड्यू टू लार्ज रेजिस्टेंस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन लाइव वायर एंड प्रोड्यूसेस स्पार्क डैमेजिंग द डिवाइस एंड डैमेजिंग डिवाइसेस एंड वायरिंग, जिससे कि डिवाइस डैमेज हो जाती है और वायर वगैरह पूरी नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। इसको बोलते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट। बेटा एग्जाम में पक्का आएगा बेटा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग पर क्वेश्चन। याद रखना शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, इसकी वजह से करंट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। ओके, फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाती है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। और ओवरलोडिंग में डिलीट हो गया। अरे यार बताओ, इतना अच्छा पोर्शन डिलीट करवा दिया। चलो बेटा पढ़ो ओवरलोडिंग। स्वास्थ्य, Overloading can be caused by first connecting too many appliances to a single socket or by accidental rise in supply voltage if the total current drawn by the appliances at a particular time exceeds the building capacity of that wire. It will get heated up. This is known as overloading. Fuse, a safety device, can prevent the circuit from overloading and short circuiting. Exactly. तो बेटा आप जो extension box लेकर के आए होंगे उसमें एक fuse आजकल लगा दिया जाता है। जो अच्छे extension boxes होते हैं उनमें एक fuse लगा होता है। तो क्या है, जैसे ही आप connect करोगे उस box में multiple devices को, एक को चालू करोगे चल जाएगी, दो को चालू करोगे, but जैसे ही इसके limit से बाहर होगा तो यहाँ जो इसके रास्ते में fuse लगा है फड़ाक से फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, फ्यूज उड़ गया, है ना? तो वो क्या हो जाता है, हवा में नहीं उड़ जाता है, फ्यूज के अंदर एक वायर होता है बच्चों जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हुआ करता है। उस वायर के जैसे ही आप, उसमें लिखा रहता है कि इसकी दम 5 एम्पियर, तो जैसे ही आप इसमें 7 एम्पियर की करंट भेजोगे ये मेल्ट होकर के बीच से टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, कनेक्शन ब्रेक हो गया तो आगे करंट जा नहीं पाई तो अंदर के सारे कैसे रहे, सुरक्षित रहे। आ गया समझ में? Yes, sir. चलिए ये हो गया। सो तो बच्चों हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है, आइए देखते हैं व्हाट यू हैव लर्नड। पढ़ेंगे समर्थ, बताएंगे कि इस चैप्टर में उन्होंने क्या क्या सीखा। समर्थ भाई पढ़िए। अ कंपास नीडल, अ कंपास नीडल इज अ स्मॉल मैग्नेट, its one end which point towards north is called a north pole and the other end which points towards
साउथ इज व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल. यस आगे पढ़ो. मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड. फील्ड लाइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड. फील्ड लाइन. एक मिनट समर्थ समर्थ तुम मत पढ़ो तुम्हें नींद आ रही है ठीक है ना. स्वास्थ्य पढ़ो यार तुम्हें ऐसा पढ़ रहे हो कि पढ़ने वाला बोर हो जाएगा भाई. लिजिबल पढ़ो ना मजे से है ना. सर मैं ठीक रहा हूँ एक्चुअली. हाँ ठीक है अभी तुम स्नीज कर लो आराम से. स्वास्थ्य आप पढ़िए. फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट. फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड. अ फील्ड लाइन इज द पाथ अलोंग व्हिच अ हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द डायरेक्शन that a north pole placed at the point would take. Exactly. तो बच्चों ये जो है field lines से याद रखना कि जिस unit hypothetical north pole जिसमें move करता है वो बनती है field lines. ये class 12th में भी बहुत अच्छे से आएगा. चलिए next पढ़िए बेटा. Field lines are shown closer. Field lines are shown closer together with the magnetic field is greater. Exactly. Next. A metallic wire carrying an electric current has associated with it a magnetic field. The field lines about the wire consist of a series of concentric circles whose direction is given by the right hand rule. Yes, so exactly ये बात करी जा रही है concentric circles field के लिए यानी metallic wire के लिए. Next, the pattern. The pattern of the magnetic field around the conductor due to an electric current flowing through it depends on the shape of the conductor. The magnetic field of a solenoid carrying a current is similar to that of a bar magnet. Next. An electromagnet consists of a core of soft iron wrapped around with a coil of insulated copper wire. Yes, so ye dekhiye electromagnet maine bataya tha na electromagnet kya hota hai. एक सॉफ्ट आयरन का कोर हुआ करता है और उसके ऊपर एक तार लपेटे हुए होते हैं. इस तरीके से जो पैटर्न बनता है जो व्यवस्था बनती है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं ठीक है ना. हाँ सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बार मैग्नेट के जैसे हुआ करता है बता दिया था मैंने ये. और फील्ड कैसा होगा वो कंडक्टर की कॉन्फिग्रेशन पर डिपेंड करता है कि कंडक्टर कैसा बनाया आपने किस तरीके का कंडक्टर यूज़ कर रहे हो. शेप ऑफ द कंडक्टर याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो शेप ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड दैट ऑफ द करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ एंड विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. दिस इज द बेसिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर. An electric motor is a device that converts electric energy into mechanical energy. Nice. Next, Peter, the phenomenon. The phenomena of electromagnetic induction is the production of induced current in a coil placed in a region where the magnetic field changes with time. The magnetic field may change due to a relative motion between the coil and a magnet placed near to the coil. If the coil is placed near to a current carrying conductor, the magnetic field may change either due to a change in the current through the conductor or due to the relative motion between the coil and conductor. The direction of induced current is given by the Fleming's right hand rule. Okay, बच्चों ये electromagnetic induction है. बस इसमें इतना जान लीजिए कि अगर आप magnet को move करेंगे या coil को move करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट हो जाएगी. बाकी का पोर्शन ये क्लास 12th का है तो इस पे ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है. अगला पढ़िए बेटा. अ जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एग्जैक्टली ये थोड़ा याद रख लीजिएगा कि जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है. नेक्स्ट इन आवर हाउसेस. इन आवर हाउसेस वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 volt with a frequency of 50 hertz. One of the wires
in the supply is with red insulation called live wire. The other one is of black insulation, which is a neutral wire. The potential difference between the two is 220 volt. Next, the third. The third is the earth wire that has green insulation, and this is connected to a metallic body deep inside earth. It is used as a safety measure to ensure that any leakage of current to a metallic body does not give any severe shock to a user. Fuse is the most important safety device used for protecting the circuit due to short circuiting or overloading of the circuits. Exactly. तो शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट से बचाता है हमें फ्यूज. ओके, और ये सारे मैंने बता दिए हैं. याद रखिएगा कि लाइव वायर में और न्यूट्रल वायर में कितने का डिफरेंस होता है बच्चों? 220 वोल्ट का. समझ में आया बेटा? यस. ओके, यस. मतलब एक प्लस में एक माइनस में जो आपके दो सॉकेट होते हैं लिखा भी होता है 220 वोल्ट का जो डिफरेंस हुआ करता है. ठीक है ना. एक जनरल सा क्वेश्चन ले लेते हैं. देखिए, एक जनरल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि आपके पास में एक डिवाइस लगी हुई है, एक आपके पास में कोई डिवाइस है और इसकी रेटिंग है 2 एम्पियर और इसकी रेटिंग है 3 एम्पियर. ठीक है ना. तो आपको बताना है कि इस सर्किट को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस पॉइंट पर आपको कितनी रेटिंग का फ्यूज़ यूज़ करना पड़ेगा. फ्यूज़ का पहला रेटिंग रहेगा 0 से लेके 2 एम्पियर का, 2 से लेके 5 एम्पियर का, 5 से लेकर के 7 एम्पियर का, या 7 से लेके 10 एम्पियर का. बताइए कितनी रेटिंग का आप यहाँ पे फ्यूज़ इस्तेमाल करेंगे. ये जो फ्यूज़ है यहाँ पे वो कितने रेटिंग का होगा बोलो? 2 से लेके 5 एम्पियर सर. अच्छा बेटा, 2 से लेके 5 एम्पियर तक का फ्यूज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. ठीक है ना, क्योंकि देखो बेटा, अगर ये 5 पे चल गया है ना, 2 to 5 एम्पियर में, यदि ये 2 से लेकर के 5 में मान लो 3 एम्पियर का फ्यूज़ आपने इस्तेमाल कर लिया, तब ये फट्टे से उड़ जाएगा. बोलो, उड़ जाएगा कि नहीं उड़ेगा? बोलो. है ना, इसमें देखिए, आप ये ना समझिए, आप ये समझ रहे हैं कि 2 से लेकर 5 एम्पियर एक ही फ्यूज़ जो है बेटा वो 2 से लेकर 5 एम्पियर पे काम कर रहा है. मतलब 2 से लेकर 5 पे कभी भी कोई भी करंट आएगी तो इसको उड़ा देगा. तो बताओ ना बेटा, 3 एम्पियर पे तो उड़ा देगा इसको. हाँ या ना? यस सर. हाँ, इसलिए आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा 5 to 7 एम्पियर. ये वाला बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब इसमें खतरा रहेगा कि तार करंट अंदर चली जाएगी और इन दोनों को खराब कर देगी. मगर 5 to 7 एम्पियर वाले में खतरा कम है. आई बात समझ में? यस सर. हाँ, इसलिए आपको ये फ्यूज यूज करना है. चलिए, तो ये चैप्टर होता है बच्चों यहाँ पर फिनिश. बड़े अच्छे से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अब क्या काम करना है?